नमस्कार जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम इनवाती ग्राम बंधा से, तहसील नैनपुर, जिला मंडला, मध्य प्रदेश से हूँ। और मैं इस न्यूरोथेरेपी में 2011 से इस न्यूरोथेरेपी में इंटर किया। और मुझे इस न्यूरोथेरेपी में ले जाने वाले हमारे केशव सर, सीनियर थेरेपिस्ट जो जबलपुर में है आजकल, उस समय वो बेंगलोर में थे। और मेरे को ऐसा मालूम हुआ और उनके द्वारा मैं बेंगलोर गया। हमारे सीनियर सर मिस्टर जयराम सर जी हैं, उनका सेंटर है वहीं। 5-6 महीना मैं बेंगलोर में रहा। इसके बाद 2012 में मेरे पिताजी का अचानक तबीयत बिगड़ने से वहाँ से वापस मैं घर को आ गया मध्य प्रदेश में। फिर कुछ प्रॉब्लम्स कंडीशन आने की वजह से बेंगलोर जाना नहीं हुआ। फिर कुछ प्रैक्टिस जबलपुर में हमारे केशव सर जी है, उनका सेंटर है जबलपुर में, वहीं 1 साल करीब करीब मैंने प्रैक्टिस किया न्यूरोथेरेपी का। इसके बाद वहां से मालूम पड़ा, खाली मेरा उस समय प्रैक्टिकल ही था, पूरा कोर्स नहीं हुआ था न्यूरोथेरेपी का। तो कुछ सीनियर्स बंधु मुंबई से जबलपुर गए थे, उन्होंने बताया कि न्यूरोथेरेपी का पूरा कोर्स भी किया जाता है। तो मैंने ठान लिया कि भाई अब इतना प्रैक्टिकल कर लिया हूँ तो न्यूरोथेरेपी भी कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। तो फिर इसके बाद थोड़ा मालूम किया इधर आश्रम के बारे में, फिर दीदी जो मुंबई में रहते हैं उनके बारे में। तो मेरे को अच्छा ऐसा लगा कि दीदी के सेंटर भी चल रहे हैं, दीदी के यहाँ काम करके कुछ प्रैक्टिस भी होगा और न्यूरोथेरेपी क्लासेस जो है वो भी पूरे हो जाएंगे मेरे। तो दीदी जी के पास मैं 2014 में दीदी जी के सेंटर आया। इसके बाद जब से अभी तक दीदी जी के पास पूरा कोर्स किया और आज भी दीदी जी के पास में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है इस न्यूरोथेरेपी से। कई प्रकार के मतलब बड़ी बड़ी बीमारियाँ देखने को मिल रहे हैं दीदी जी के यहाँ। कहाँ कहाँ से लोग, बाहर से लोग दीदी जी के पास आते हैं और न्यूरोथेरेपी का मतलब बहुत अच्छा उपचार किया जाता है। बहुत खुशी की बात यह है कि आज न्यूरोथेरेपी इंडिया से लेके और बाहर देशों तक इसका उपचार किया जा रहा है। बहुत अच्छा। और मैं बहुत खुशी की बात यह है कि न्यूरोथेरेपी में आके ऐसा मतलब ये नहीं फील हो रहा है कि पहले हम कैसे थे, हमें क्या जॉब चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अच्छा धर्म की काम है और इसको आज पूरा क्लियर मतलब सीख कर सेवा भाव से हर एक पेशेंट को मतलब सेवाएं दिया जा रहा है।